होशंगाबाद के पिपरिया में बिजली उपभोक्ताओं से की जा रही मनमाफिक वसूली के खिलाफ कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए बिजली उपभोक्ताओं को लूटे जाने की बात कही। धरने को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने सीधे तौर पर प्रदेश की भाजपा सरकार और बिजली विभाग पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी मनमाने तरीके से बिजली बिल वसूल कर आम आदमी और किसानों का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने धरने के बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर विद्युत विभाग के सीएमडी समेत कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।